हो गए हैं, जैसे ही नाम घोषित हुए हैं उसके बाद से बीजेपी क्या कांग्रेस दोनों जगह विरोध शुरू हो गया है, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक। ये जबलपुर का वीडियो तो हमने देखा, भूपेन्द्र यादव के सामने धक्का मुक्की हुई। आज ग्वालियर में सिंधिया के महल का घेरा हुआ, उस महल से जब वो निकले तब उनसे धक्का मुक्की की गई और उनसे अपना विरोध जाहिर किया कार्यकर्ताओं। दरअसल बात यही है, मध्य प्रदेश में जो भी चुनाव होता है बहुत दो पार्टी के बीच होता है और बहुत कांटे का मुकाबला होता है। तो इस बार भी दोनों पार्टी के लोगों को लगा है कि जिसको टिकट मिलेगी वो विधायक बनेगा। यही वजह है कि हर पार्टी में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। कांग्रेस में इस बार 4,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि फॉर्म दिए थे, जिसमें से 230 लोग छांटे गए हैं।